हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल BS ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में लुसेंट जीके के निचोड़ के पार्ट वन को देखेंगे, जिसमें पूरे 100 वन लाइनर क्वेश्चन हैं। दोस्तों, पूरी लुसेंट जीके का निचोड़ 1000 प्रश्नों का है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इसी प्रकार की वीडियो डेली लाते रहते हैं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो कन्याकुमारी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश। किस में दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? मधुमेह। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? आसाम। अगला क्वेश्चन, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो चीन में हुआ था। किस में दोस्तों? चीन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अगला क्वेश्चन, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति। रतौंधि किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन ए की कमी से। किससे दोस्तों? विटामिन ए की कमी से। अगला क्वेश्चन, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तमिलनाडु। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो पंजाब के। अगला क्वेश्चन, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? जॉन लोगी बेयर्ड ने किया था। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? गलफड़ों की सहायता से। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहां हुआ था? तो 1919 ईस्वी में अमृतसर में हुआ था। अगला क्वेश्चन, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक। किस दल की दोस्तों? फॉरवर्ड ब्लॉक। अगला क्वेश्चन, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह। किसने की थी दोस्तों? भगत सिंह ने। अगला क्वेश्चन, 1857 ईस्वी के विरोध में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह में सबसे पहले अपना बलिदान दिया। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू। अगला क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट पर दो बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो संतोष यादव। संतोष यादव माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला शासक थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई। अगला क्वेश्चन, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर। अगला क्वेश्चन, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की। वास्को डिगामा भारत कब आया? 1498 ईस्वी में।
वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो पुर्तगाल का रहने वाला था। अगला क्वेश्चन, हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल कहाँ स्थित है? तो जयपुर। कहाँ स्थित? जयपुर। सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? गुरु नानक देव को। अगला, सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? वैसाखी। कौन सा है दोस्तों? वैसाखी। अगला क्वेश्चन, लव पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो दोस्तों लव पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार पटेल। अगला क्वेश्चन, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है? विजय घाट। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? चाणक्य, कौटिल्य ने। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 8 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो जापान। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? केरल का। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो केरल का। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 ईस्वी में। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है? 3:2। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने। भारत का राष्ट्रीय राष्ट्रगीत कौन सा है? वंदे मातरम। अगला सवाल, भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संवत। अगला सवाल, राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? 52 सेकेंड। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? हेनरी वेकरल ने। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो हृदय से है। किससे है दोस्तों? हृदय से। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को। किस ग्रंथि को दोस्तों? पीयूष ग्रंथि को। अगला सवाल, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो हीरा। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप हीरा है। अगला सवाल, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रांटजन। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रांटजन।
किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो तांबा धातु का। अगला सवाल, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश काला दिखाई पड़ता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है? राजघाट। अगला सवाल, भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? बम्बई, वर्तमान नाम मुंबई है, तो मुंबई से ठाणे तक। अगला सवाल, भारत में पहली मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? कोलकाता में। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? तो 1853 ईस्वी में। अगला सवाल, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, 1984 में। अगला सवाल, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती सुचेता कृपलानी। अगला सवाल, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। अगला सवाल, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? त्रिग्वेली। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? 193 देश। अगला सवाल, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में कितने देश सदस्य होते हैं? तो 15 देश संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के सदस्य होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में कितने देश अस्थायी सदस्य हैं? तो 5 देश अस्थायी सदस्य होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो हॉलैंड में स्थित है, जिसका नाम है द हेग। अगला सवाल, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? वान की मून। अगला सवाल, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो 2 वर्षों के लिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना है? तो दक्षिण सूडान बना था। अगला सवाल, किस विटामिन की कमी से खून का रुका बंद नहीं होता है? तो विटामिन के की कमी से। अगला सवाल, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? तो अनुच्छेद 343। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन हैं? तो अभिनव बिंद्रा। अगला सवाल, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो 4 वर्षों बाद होता है। अगला सवाल, सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो दोस्तों रियो डी जिनेरो में। अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो मुर्राह, मुर्राह नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो गुड़गांव में। अगला सवाल, विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो राव वीरेंद्र सिंह ने बनाई थी। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर करें, और अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए
तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।